हेलो बच्चों, आज हम करेंगे शेप्स ड्राइंग प्रैक्टिस। जैसे गोल, गोल हमारी रोटी होती है। चकोर, चकोर जैसे हमारा रुमाल। त्रिकोण, त्रिकोण जैसे हम लोग समोसा वगैरह खाते हैं ना, वो त्रिकोण होता है। ये है आयत। जैसे आयत आपका दरवाजा हो गया, किताब हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डॉट डॉट बने ना, इनको हम ट्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे पूरी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ कलर भरना है। जैसे ये क्या है, गोल, इसमें हमें गुलाबी कलर भरना है। जैसे यहाँ पे दिखाया है ना, एक छोटा सा गोल बनाकर उसमें गुलाबी कलर भर के, ऐसा हम इसमें गुलाबी कलर भरेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये डॉट डॉट बने, इसके ऊपर हम पेंसिल चलाएंगे, आधा यहाँ पे चलाएंगे, आधा यहाँ पे चलाएंगे, फिर ये पूरा का पूरा एक गोल बन जाएगा, क्योंकि हमने आधा यहाँ बनाया, आधा यहाँ बनाया। अब इन दोनों को मिला देंगे तो एक गोल बन जाएगा। ये क्या चकोर, इसमें कौन सा कलर भरना है? हरा। यहाँ पे हरा कलर दिया हो ना, तो हम यहाँ इस वाले बड़े वाले चकोर में हरा कलर भरेंगे। ये आधा चकोर बना, हम इस पे डॉट डॉट पे ब्लैक कलर चलाएंगे, जिसे हम यूज कर रहे हैं। और ये यहाँ पे पूरा बना हुआ है, हम इसको ये त्रिकोण है, इसमें कौन सा कलर भरा है? ऊपर नीला, तो ये हमारा नीला कलर है, हम इसको इसमें भरेंगे। ये जो आधा आधा बना है, इस पे हम ये ब्लैक कलर से डॉट डॉट मिला देंगे। ये क्या है आयत, आयत में यहाँ पीला कलर भरा है, तो हम यहाँ पे पीला कलर भरेंगे। ये जो दो लाइनें खींची हुई है ना बड़ी बड़ी, इनको हम ब्लैक कलर से डार्क करेंगे, फिर इधर ये साइड वाली लाइनें करेंगे, फिर यहाँ पे एक पूरा चकोर बना देंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। इससे आपको क्या पता लगा, देखो हमने चार चार शेप्स बनानी सीखी हैं, गोल, चकोर, त्रिकोण और आयतकार।